टारगेट विद आलोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग एक नए उमंग में पुनः हम लोगों की मुलाकात होगी। बेस से लेकर के यानी आधार से लेकर के और शिखर तक बात होगी। पूरा संस्थान का प्रयास रहेगा कि आपका जो समय हमारे साथ व्यतीत हो यह समय स्वर्णिम इतिहास आपके जीवन में लिखे और आपका जीवन गरिमामयी हो, आपका जीवन स्वर्णमयी हो, आपका जीवन सुखमयी हो और आपका जीवन सौंदर्यमयी हो। यानी आपका जीवन पूरे जीवन में आपके सुख सुविधाओं का अंबार लग जाए। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ऐसी कामना है कि आप यूं ही हमेशा मुस्कुराते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हम लोग टेट में प्रवेश किए हैं, यानी हम लोग जो है हमारा जो संस्थान है वह आप लोगों के लिए जो रवि सर आलोक सर ने क्रिएट किया है और उसमें हम लोग सर्वोत्तम देने का अपना प्रयास करेंगे। और यह मैं नहीं, आप लोग ही हमारे आधार होते हैं और आप लोग ही बताते हैं संस्थान कैसा है। नो डाउट इसमें सारे लोग अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और आपके मेरा परफॉर्मेंस यानी मेरा पढ़ाना तभी सार्थक होता है जब वह आप जो है उसका रिव्यू मुझे देते हैं, आप उसको सफलदायी बनाते हैं। अमूमन जीवन में या कभी भी ऐसा होता है कि शिक्षक तो कहता ही है, संस्था कहते ही हैं, लेकिन जब उसकी प्रतिपूर्ति आप करते हैं, जब उसके प्रत्युत्तर आप देते हैं, जब उसके रिव्यूअर आप होते हैं, जब उसके आप ऐसा सकारात्मक रूप से हमारा मनोबल ऊंचा उठाते हैं और ये तब उठाते हैं कि जब आपको अनुभूति होती है, तो निश्चित तौर पर हम लोग ये मानते हैं कि आप हम जो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह रास्ता बहुत ही अच्छा है। उसी को साकार करते हुए हम लोग आज टेट के बैच में प्रवेश कर रहे हैं और हमारा बैच स्टार्ट हो गया है, एडमिशन की प्रक्रिया भी चल रही है। हम कुछ टॉपिक लेकर के आए हैं, उस टॉपिक पर हम बात करेंगे और उस टॉपिक को हम समझेंगे कि क्या होता है। एक बड़ा ही मैं जटिल या यूं कह लीजिए कि थोड़ा सा कठिन टॉपिक आपके सामने आज लेकर आ रहा हूं। प्रयास करूंगा कि यह कठिन जो टॉपिक है यह आसान आपको लगे। आज की जो हमारी बात होगी वह बात होगी संधि पर बात होगी, यानी हम किस टॉपिक पर आज बात करेंगे, आज हम संधि के टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए संधि का अर्थ क्या होता है, संधि किन शब्दों से मिलकर के बना होता है, संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी, आदि आदि बिंदुओं पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संधि किस शब्द से मिलकर के बना हुआ है। तो जो ये संधि है यह दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। पहली बात होती है, पहला जो पद होता है वो श्रम होता है और दूसरा यानी पूर्व रूप और परारूप जो होते हैं वह यही होते हैं। पूर्व रूप श्रम के और परारूप जो होते हैं या पर रूप जो होते हैं वह बाद के होते हैं यानी धी होती है। सामान्यतः अब यह किसी नियम व्यंजन, ये तो व्यंजन संधि अब देखने से लग गया, नहीं अगर लगा मैं बताऊंगा आपको कैसे ये समझ में आएगा। श्रम धन धी से मिलकर के यह म का परिवर्तन अपने के अनुस्वार में हो जाता है या पंचमाक्षर में हो जाएगा, ठीक है। तो ध का पंचमाक्षर क्या होगा, न होगा, त थ द ध न हो जाएगा और ये म किसमें बदल जाएगा, अपने के पंचमाक्षर में बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा,
संधि हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा आपके अगर मैं लिखूं। लेकिन ऐसा नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है? हम क्यों, जब ये परिवर्तन हो रहे हैं तो क्यों हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं? इसमें तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, परिवर्तन यहाँ पर ही हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं, कारण क्या है? इसलिए अगर हम ऐसा लिख देंगे तो हो सकता है कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए अभी तो मैं थोड़ा सा गैपिंग कर दिया हूँ, तभी भी बहुत सारे लोग इसको स न ऐसा पढ़ सकते हैं, नहीं सनद पढ़ सकते हैं, और ये सोचेंगे, अब उनको ये नहीं समझ में आएगा कि ये मैं पढ़ूं का क्या, पढ़ूं सनधि पढ़ूं या क्या पढ़ूं। हो सकता है ये पूरा न समझ में आ जाए, ऐसा भी समझ में आ सकता है, ये ऐसा भी समझ में आ सकता है, श न, मान लीजिए तेजी से आप लिख रहे हैं तो पूरा न भी लिखा जा सकता है, और ये जो होगा यहां पर ये ध होगा। अब यहां से मात्रा लगा देंगे तो अब ये मात्रा इस पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो लेखन की जो परंपरा बनाई गई वह यह बनाई गई कि जो छोटी ई होता है एकमात्र ऐसा स्वर है कि जो अपने किसी भी व्यंजन के पहले लगता है, बाकी सभी स्वर व्यंजन के बाद लगते हैं। एक ही मात्र ऐसा स्वर है जो किसी भी व्यंजन के पहले लगता है, तो वह क्या है, छोटी ई होता है, ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर हम बात करें तो अब क्या होगा, चूंकि छोटी ई यहां मिला है तो ये छोटी ई कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। जब भी कोई अर्ध व्यंजन आता है यानी उसमें स्वर नहीं लगा रहता है और आधा होता है, तो स्वर नहीं लगा रहेगा तो वह वर्ण आधा होगा, तो जो छोटी ई की मात्रा है वह आधे व्यंजन के पहले चली जाती है। तो यानी ये जो लिखा गया है स और ये आधा न जो लिखा गया है और ये जो धी लिखा गया है यानी यहाँ पर ध हो जाएगा, इस धी की मात्रा यानी इस धी की मात्रा यहाँ चली आएगी और ये हो जाएगा संधि हो जाएगा। ठीक है, संधि में कौन सी संधि है, तो आपको बताना है कि संधि में व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि होती है। ठीक है, ये आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो पुनः प्रयास किया जाएगा कि आपको ये चीजें समझ में आ जाए और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो शम धन धी से बना हुआ शब्द क्या होता है, संधि होता है, और इसका संधि का जो शब्द शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है जोड़ होता है या योग होता है। यानी हम क्या करते हैं कि जीवन में जोड़ करते हैं या योग करते हैं या समझौता करते हैं, तो संधि में भी हम क्या करते हैं, समझौता करते हैं। यानी समझौता जब हम, हो सकता है कि मानवीय जीवन में समझौता किसी बात को लेकर के करें, किसी वस्तु को लेकर करें, हो सकता है कि यह समझौता हमारा कपड़े को लेकर के हो सकता है, हो सकता है जब बंटवारा होता है तो समझौता गाड़ी को लेकर के हो सकता है, घर को लेकर के हो सकता है, पैसे को लेकर के हो सकता है, तमाम बिंदु हैं, उन बिंदुओं को लेकर के हम क्या करते हैं, समझौता करते हैं। क्यों, क्योंकि हम एक बने रहे। समझौता क्यों, क्योंकि हम एक बने रहें, तो जब एक बने रहेंगे तो हमारे में शक्ति रहेगी, और जब अगर नहीं हो पाता है, किसी कारणवश समझौता नहीं हो पा जाता है तो हम बिखर जाते हैं। तो बिखराव में एक ही की कोई हानि नहीं होती है, सबकी हानि होती है, और जब एकाकार रहते हैं तो सबकी इच्छा अच्छी रहती है और सब उन्नत होते हैं। फिलहाल संधि जो है, शब्दों में वर्णों का मेल होता है संधि में। पहली चीज ये जानिएगा कि संधि में मेल किसका हो रहा है, वर्ण का मेल हो रहा है, यानी वर्ण का मिलन हो रहा है, एक बात। दूसरी बातें अगर हम कहते हैं, यहां पर अब देखिए, मैंने बताया कि संधि में किसका मेल हो रहा है, तो वर्ण का मिलन हो रहा है, वर्ण का मेल हो रहा है। ठीक है,
वर्ण का मेल हो रहा है संधि में, अगर संधि में वर्ण का मेल हो रहा है तो इसकी आवश्यकता, आखिर मेल कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि हम जो है वर्णों का मेल करा दें और एक जो है शब्द बना दें। इसलिए आवश्यकता पड़ी कि भाषा जितनी उन्नत होती है उतना ही वह अच्छा होता है। भाषा उन्नत कैसे होता है? शब्द के माध्यम से। यानी अगर जिस भाषा में जितनी अधिक शब्दावली है वह भाषा उतनी ही उन्नत मानी जाती है, उतनी ही उत्कृष्ट मानी जाती है। तो भाषा को उन्नत करने के लिए हमको शब्दावली की आवश्यकता पड़ती है। हमको उन्नत होने के लिए, ज्ञानिक स्तर पर उन्नत होने के लिए, हम ज्ञानी हो जाएं, हम और भी उन्नत हों, तो इसके लिए मुझे और भी आवश्यकता है क्या? ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? पुस्तकों से मिलेगा। और वह पुस्तक में पुनः वही बात आएगी, क्या लिखा रहेगा? शब्द लिखा रहेगा। और वह शब्द जो है कहाँ मिलेगा? शब्द कहाँ से निर्मित होगा? वह निर्मित होगा संधि से होगा। यानी एक चिन्ह है, एक सिस्टम है, और इसी सिस्टम से हम क्या करते हैं? शब्द को निर्मित करते हैं। और जब शब्द को हम निर्मित करते हैं, यानी नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? यानी दूसरा, अगर हम ये कहें कि संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप यह कह देंगे संधि की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आप यह कह देंगे, उत्तर दे देंगे, शब्दों के निर्माण के लिए। यानी नए नए शब्दों के निर्माण के लिए इसकी संधि की आवश्यकता होती है। तो नए नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है? मैं पुनः वही कहूंगा कि शब्द में वर्णों का मेल होता है। यानी दो भिन्न भिन्न शब्द होंगे जिसके कोई अर्थ होंगे, सार्थक अर्थ होंगे, और जब उनका मेल होगा तो वही नए शब्द का निर्माण करते हैं। अब ये बात ये आती है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप ये नहीं है कि यूं ही जो है स्किप करके या भगा भगा करके देखिएगा, थोड़ा सा धैर्य एक बार बना लीजिएगा और बना करके आसानी से अगर समझ ले जाते हैं एक बार कॉन्सेप्ट, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। पब्लिकली ऐसा बहुत कम लोग करते हैं कि डायरेक्ट टॉपिक पर आकर के अपना काम करते हैं, लेकिन अगर एक कॉन्सेप्ट डेवलप आपका हो जाएगा तो ये बेटर हो जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी आप डिपेंड ऑन यू, आप क्या करते हैं ये आप जानते हैं, लेकिन मेरी जो इच्छा है, मैंने ये बताया कि कॉन्सेप्ट के बेस से अगर चलेंगे तो आगे आप, चूंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, उस प्रक्रिया में भाग लेने जा रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा शिक्षक बन, शिक्षक का ये गुण होता है कि किसी भी बात को कॉन्सेप्ट रूप में, कहानी रूप में अगर वो बता दे तो संभवतः वह याद रहता है। तो यहाँ पर हम नए शब्द के निर्माण के लिए संधि को लाए, यानी हमारे व्याकरणों ने संधि को लाया टॉपिक को। तो संधि के, यानी हम नए शब्दों का निर्माण करेंगे, तो नए शब्द का अगर हम निर्माण करते हैं तो कितना हम निर्माण करेंगे, आखिर कैसे, किन रूपों में निर्माण करेंगे, किस प्रकार से निर्माण करेंगे, कैसे निर्माण करेंगे, आदि आदि प्रश्न बहुत सारे दिमाग में उठेगा। तो इसको व्याकरणों ने कहा कि भाई इसको हम तीन प्रकार से निर्मित करेंगे, यानी ये जो हमारा वर्णों का मेल होगा ये तीन प्रकार से निर्मित होगा। तो तीन प्रकार से कैसे निर्मित होगा इसको आपको देखना है। तो पहला जो हमारा निर्माण होगा वह किससे होगा, उसे हम कहेंगे, यानी शब्द का निर्माण करेंगे तो हम कहेंगे स्वर संधि से होगा। यानी हम इसके नए नए शब्दों के को निर्मित करने का आपको तरीका बता रहे हैं। यह तरीका कितने रूपों से होगा? तीन रूपों से होगा। तो कौन कौन रूप होगा? पहला स्वर संधि होगा। दूसरा जो हमारा तरीका होगा वो क्या होगा? व्यंजन संधि होगा। यानी चलिए हम व्यंजन संधि के माध्यम से क्या करेंगे? नए शब्दों का निर्माण करेंगे, ऐसा हम करेंगे। क्लियर? चलिए अब हम तीसरे रूप में कैसे करेंगे?
तो तीसरे रूप में हम विसर्ग संधि के नाम से करेंगे, यानी विसर्ग के रूप में करेंगे, तो विसर्ग संधि इसे हम कहते हैं, यानी विसर्ग संधि के माध्यम से हम करेंगे। अब ये जो तीन रूप है हमारा, क्या नए शब्द निर्माण करने का, तो इसी तीन रूपों के माध्यम से, इसी तीन प्रकारों के माध्यम से हम नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। और जब तीन रूपों से हम नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, इसी को संधि का, संधि के प्रकार बोला जाता है, इसी को संधि का भेद बोला जाता है। तो यानी अगर ये पूछा जाए संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप क्या बताएंगे, संधि तीन प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी संधि होती है आपको बताना है, कौन कौन सी संधि होती है, तो आप यह बताएंगे कि पहला स्वर संधि होती है, दूसरा व्यंजन संधि होती है, तीसरा विसर्ग संधि होती है, यानी ये तीन संधियां आपकी होती हैं। अब बात यह आई थी कि तीन रूपों में, चलिए ठीक है, तो ये जो स्वर है ना, अब तो नाम है क्या, स्वर नाम है, तो अब ये निर्मित कैसे होगा, इसको भी अगर जान लिया जाए तो बेटर होगा, आपके लिए भी बेटर होगा और मेरे लिए भी बेटर होगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो जब ये संधि यानी स्वर संधि की बात आई, तो स्वर संधि में एक तो संधि है, मेल हो रहा है, लेकिन मेल किसका, संधि किसका हो रहा है, स्वरों का हो रहा है। तो अगर स्वर जो होते हैं, यानी स्वर इधर भी हो, ठीक है, और स्वर इधर भी हो, दोनों तरफ अगर स्वर है, तो उसे हम कौन सी संधि कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों तरफ स्वर होते हैं और स्वरों का क्या होता है, मेल होता है, स्वरों का योग होता है, स्वरों का जोड़ होता है, तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। सामान्य एकदम बेस आपको मैं बता रहा हूं, आगे मैं आपसे अधिक वार्तालाप करूंगा, आज मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ एक बेस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो स्वरों, दोनों तरफ स्वर हैं, यानी एक पद, मैंने बताया कि दो पद होंगे, बीच में प्लस लगा होगा, इधर का कोई पद होगा, इधर का कोई पद होगा, तो इधर भी स्वर होगा और इधर भी स्वर होगा। अब कब होगा, कहां होगा, अभी मैं बता रहा हूं। तो अगर है तो वहां पर स्वर संधि है, चलिए। अब दूसरा क्या है, व्यंजन संधि, और तीसरा क्या है, विसर्ग संधि। तो इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा इसको एलिबोरेट कर देते हैं, थोड़ा सा फैला देते हैं, और तब इसको हम समझ लेते हैं, तो यहां पर बातें क्लियर हो जाएंगी। तो स्वर संधि ने कहा कि भाई हम इसको अपने आप को पांच रूपों में हम विभाजित कर देते हैं, ठीक है। तो स्वर संधि ने क्या किया, अपने को पांच भागों में विभाजित कर दिया, क्लियर। तो पहले का पहला जो विभाजन हुआ उसको कहा इसने दीर्घ, और यहां पे स्वर, और ये हो गया संधि। तो अब क्या हो गया, ये दीर्घ स्वर संधि हो जाता है, यानी इसने पहला जो विभाजन किया वह किस रूप में विभाजन किया, दीर्घ स्वर संधि के रूप में विभाजन किया। चलिए दूसरा जो इसका विभाजन होता है वह गुण के रूप में विभाजन होता है, और इसका नाम होता है गुण स्वर संधि होती है, ठीक है। यानी दूसरा हमारा जो विभाजन हुआ वह गुण स्वर संधि हुआ। चलिए तीसरा क्या हुआ, वृद्धि स्वर संधि हुआ। कौन सा हुआ, वृद्धि स्वर संधि हुआ। चलिए अभी हम एक एक करके इसको आज समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। दीर्घ गुण वृद्धि, यण चौथा जो संधि है वह कौन सा है, यण स्वर संधि है, क्लियर। चलिए पांचवे पर आइए, और पांचवा जो है इसे हम क्या कहते हैं, अयादि स्वर संधि कहते हैं। अयादि
स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? अयाद स्वर संधि कहेंगे। यानी ये पांच प्रकार की आपकी कौन सी संधि हुई? स्वर संधि हुई। ये क्लियर? अब यहां पर देखिए, इन पांच प्रकार की स्वर संधियों में दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाद स्वर संधि, सब में क्या लगा है? स्वर लगा है। कॉमन देखिए, स्वर लगा है, संधि तो है ही। यानी ये जितने भी हैं इनमें दोनों पदों स्वर का ही मेल होगा। अब ध्यान से समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि चाहे मान लीजिए कि कोई अगर शब्द है, अगर मैं लिखता हूं यहां पर शब्द लिखता हूं, ठीक, एक आसान सा शब्द लेते हैं, शब्द लिखता हूं, एक शब्द हुआ, दूसरा शब्द मैं लिखता हूं अर्थ लिखता हूं, ठीक है, अर्थ लिखता हूं, अर्थ कॉमन शब्द है, ध्यान दीजिएगा। अगर अब मैंने कहा कि स्वर संधि में हमेशा स्वरों का ही मेल होगा, तो जो पहला यानी पर रूप है, जो पहला रूप है, जो पूर्व रूप है, पर रूप नहीं, जो पूर्व रूप है और जो पर रूप है, यहां पर ये जो होगा ना, इसका अंतिम वर्ण स्वर ही होगा। ये क्लियर है स्वर संधि में, ध्यान रखिएगा, अंतिम जो वर्ण है वो क्या होगा? स्वर ही होगा। तो इसका अंतिम, अच्छा, इसमें हर एक व्यंजन किससे मिलकर बना होता है? स्वरों से मिलकर बना होता है, इतनी बात आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। क का भी निर्माण किससे हुआ है? ग का भी निर्माण किससे हुआ है? द का भी निर्माण किससे हुआ है? प का भी निर्माण किससे हुआ है? कोई भी व्यंजन हुआ, इन सब का निर्माण किससे हुआ है? क धन अ से हुआ है। ठीक, अगर ग है तो ये क्या है? ग धन अ से हुआ है। द है तो द धन अ से हुआ है। क्लियर? प है तो प धन अ से हुआ है। यानी कि आप ये देखिए, हर में क्या लगा है? ये अ स्वर लगा है। अगर ये का हो जाएगा तो यहां पर आ हो जाएगा, अगर ये की हो जाएगा तो यहां पर ई हो जाएगा। यानी प्रत्येक व्यंजन स्वरों से मिलकर के बना हुआ होता है। अब यहां पर अगर प्रत्येक व्यंजन स्वरों से मिलकर के बना है, तो यहां पर ये देखिए द है, तो द का अंतिम वर्ण क्या हो गया? अ हो गया। द का अंतिम वर्ण क्या हो गया? अ हो गया। अच्छा, तो बच क्या गया? यहां पर श, यहां पर आधा ब और यहां पर आधा द, यही तो बचा। अगर मान लीजिए ये मैंने द लिखा है, तो द का निर्माण किससे हुआ है? द धन अ से हुआ है। अगर ये अ निकल जाता है, ये अ क्या हो जाता है? हट जाता है, तो बचेगा क्या? आधा द बचेगा, और इसी आधा द को हमने उतार दिया। यही सीधा सिंपल सा काम किया है। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी क्या होगा? धन यहां पर क्या? अब दूसरा जो पद है इसका पहला वर्ण आएगा, तो पहला वर्ण क्या है? अ है। ठीक, पहला वर्ण वह है, और इसको आप उतार दीजिए ऐसे। अब यहां पर जो अ है, अ और अ को क्या करेंगे? आप मेल करा देंगे, तो यहां पर आ का निर्माण हो जाएगा, और यह जो है क्या बन जाएगा? श, आधा व, यह दा हो जाएगा, और यह शब्द बन जाएगा, शब्दार्थ हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा? शब्दार्थ बनेगा। आप जानते थे शब्द धन अर्थ मिलकर के शब्दार्थ बनता है, नो डाउट, लेकिन इसका कैसे ये निर्मित होता है, ये मायने होता है। अब देखिए, तो यहां पर क्या होते हैं हम? स्वरों का मेल होता है, चाहे पूर्व रूप हो और चाहे पर रूप हो, चाहे पहला रूप हो चाहे बाद का रूप हो।
ये कोई भी है, दोनों अगर ये पहला पद है ये दूसरा पद है, तो पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का पहला वर्ण, अगर ये स्वर है तो स्वर संधि होगी। अब जैसा स्वर है वैसी आपकी संधि होगी। बात समझ में आ रही है? तो जैसा स्वर है मतलब कैसी संधि होगी। अब यहां पर भिन्न भिन्न स्वर आएंगे तो भिन्न भिन्न संधियां होंगी। ये आपकी कौन सी हुई, इसे कहते हैं दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। गुण स्वर संधि में क्या होता है, अ के बाद अगर ई आ जाते हैं, अ के बाद अगर ई आ जाते हैं, अ के बाद अगर ओ आ जाते हैं, अ के बाद अगर री आ जाता है। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि हम ये लिखते हैं, अगर अ है एक तरफ अ है, चलिए दूसरे तरफ मान लीजिए अ ही केवल न लीजिए, अ या आ लीजिए, या तो अ है नहीं तो आ है, कोई भी पहला पद में आ सकता है। दूसरे तरफ अगर ई आ जाए या बड़ी ई आ जाता है, या अगर ये नहीं आते हैं तो चलिए क्या आ जाते हैं, ऊ आ जाते हैं या बड़ा ऊ आ जाते हैं, अगर ये भी नहीं आते हैं तो री आते हैं। अगर ऐसा है तो, ऐसा है तो कौन सी संधि बनेगी, तो आप कहेंगे अ या आ के बाद, यानी इधर भी अ या आ स्वर आना चाहिए, इधर ई या ई आना चाहिए, नहीं तो ऊ या ऊ आना चाहिए, नहीं तो री स्वर आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो इसे हम क्या कहेंगे, गुण स्वर संधि कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, गुण स्वर संधि कहेंगे। क्या परिवर्तन होगा यह अभी अलग बात है, किसमें परिवर्तन होगा अलग बात है, मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इतना जानिए कि इधर भी स्वर और इधर भी स्वर, दोनों तरफ अगर स्वर हैं और ये स्वर भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, जैसा जो यहां है वह यहां नहीं रहेगा, तब वहां पर क्या रहेगा, तो यह अगर नहीं रहेगा तो रहेगा क्या, ई या ई, ऊ या ऊ और री हैं, तो वहां पर गुण स्वर संधि होगा। अगर मान लीजिए हमने लिखा कोई शब्द लिखा, जैसे हमने लिखा राका लिखा, ठीक है, राका और धन ईस लिखा, ऐसा मैंने लिखा। अब यहां पर ये देखिए, यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, आ मिल जाएगा, मिला तो बच क्या जाएगा, अब छोड़िए जो बचा उसको हटाइए, हम बाद में इस पर चर्चा आपसे करेंगे, आज सिर्फ आप इतना जाइए, यहां पर आ मिलेगा, चलिए यहां पर बड़ी ई मिल जाएगा। अब ये आ के बाद अगर बड़ी ई आ जाए, या आ के बाद छोटी ई आ जाए, या ओ के बाद बड़ी ई आ जाए, चलिए यहां पर ओ हो गया। अगर मान लीजिए कि हम कोई ऐसा शब्द लेते हैं जैसे कि जिसमें अगर गुड़ा का हम लेते हैं, या महा लेते हैं, महा भी हो जाएगा, इंद्र, यहां छोटी ई लेना चाह रहे हैं, चलिए इंद्र लेते हैं, तो महाधन इंद्र कर देते हैं, चलिए यहां पर महा कर देते हैं, धन क्या करते हैं, इंद्र कर देते हैं। अब ये क्या मिल गया, ये छोटी ई मिल गया, यहां पर आपको अ हो गया, यहां पर आ हो गया, यहां पर ई मिल गया, यानी यहां पर आ और यहां पर क्या मिल गया, छोटी ई मिल गया। अगर ऐसा कहीं पर देखते हैं कि इधर भी स्वर है और इधर भी स्वर है, लेकिन यह स्वर ई है या बड़ी ई है, ऊ है या बड़ा ऊ है या री है, तो ऐसे में आप ये कहेंगे कि यह गुण स्वर संधि है। आप क्या कहेंगे, यह गुण स्वर संधि है। बात समझ में आ रही है? यानी ये कौन सी संधि हुई, गुण स्वर संधि हो गई। हम डिस्क्राइब करेंगे, एक एक संधि को डिस्क्राइब करेंगे, वहां और बेटर से आपको समझ में आएगी। अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा पूरी संधि का ऑब्जर्वेशन करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि आप इतना जानिए। तो यानी दोनों तरफ स्वर आए
तो स्वर संधि, लेकिन अब कंडीशन है कि किस कंडीशन में ये गुण स्वर संधि होगा। चलिए एक तरफ मान लीजिए अ आ जाता है या आ जाता है, जो पहला पद है जो पूर्व रूप है, दूसरी तरफ क्या आ जाता है, ए आ जाता है या ए आ जाता है, ठीक, या ओ आ जाता है या अ आ जाता है, क्लियर। तो अगर ऐसा आता है कि धन के पहले अ या आ जाए, आ जाए, दूसरी तरफ धन के बाद ए ऐ, ए अथवा ए, ओ अथवा अ आ जाते हैं, तब ऐसी संधि कौन सी स्वर होगी, तो ये बताएगा ऐसी संधि जो है वह वृद्धि स्वर संधि होगी। ऐसी संधि कौन सी होगी, वह वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। बात समझ आई, इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं। चलिए अब हम इसके कुछ अन्य रूपों पर भी चलते हैं। मैं हालांकि यहां पर थोड़ा सा मैं एक उदाहरण आपको दे दूं तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि मैं ऐसा लिखता हूं, शब्द मैंने लिखा, ये मान लीजिए एक लिखा, ठीक है, धन एक लिख दिया, ऐसा मैंने लिख दिया, यहां पर क्या मिला, अ मिल गया। चलिए यहां पर क्या मिला, ए मिल गया। अगर अ के बाद या आ के बाद ए आ गए या ए आ गया, ओ आ गया या अ आ गया, तो अब ये कौन सी संधि होगी, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, वृद्धि स्वर संधि कहेंगे। बात समझ आई, तो ये क्या हो गया, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। क्या बनेगा ये अलग बात है और इस पर हम बात करेंगे। तो ये वृद्धि स्वर संधि। चलिए इसके बाद क्या है, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि यानी हम चौथी संधि पर पहुंचे, तो यण स्वर संधि। अब यण स्वर संधि में क्या कह रहे हैं, इको यणच का फार्मूला लग रहा है, इको यणच का सूत्र हो रहा है, एक प्रत्याहार इसमें आ रहा है, ये संस्कृत का पार्ट है लेकिन फिर भी देखा जाएगा, यण स्वर संधि है। तो यण स्वर संधि में क्या कह रहे हैं कि अब यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई इधर ई आ जाए, पहले पद की तरफ ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए, ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए, यानी स्वर इधर भी आ जाए, इधर का आ जाए, री आ जाए, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद इधर कोई भी स्वर आवे, कोई भी आपकी इच्छा, इस इसको छोड़ करके, यहां ई ई के बाद ई ई नहीं आना चाहिए, ऊ ऊ के बाद ऊ नहीं आना चाहिए, री के बाद री नहीं आना चाहिए, ये कंडीशन है। इसके बाद अगर इनको छोड़कर, इसके सामने वाले को छोड़कर, ये यहां आ सकते हैं, ये यहां आ सकते हैं, ऐसा है, लेकिन इसके बाद छोड़ करके कोई भी अगर स्वर आ जाए, यानी पहला जो रूप होगा, पहला जो पद होगा, इसमें ये आना मस्ट है। अगर ये आ जाते हैं तो वहां पर इसके बाद कोई अन्य स्वर है तो वहां पर कौन सी संधि होगी, वहां पर यण स्वर संधि होगी। वहां पर कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि हो जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए हम कोई शब्द लेते हैं, ठीक है, और हमने लिखा वी, लिखा वी शब्द, लिखा धन, अ लिखा या आय लिखा। चलिए अब यहां पर ये देखिए, वी धन आय मैंने लिखा, अगर इसको आपने क्या कर दिया, जोड़ने का प्रयास किया, तो यहां पर क्या मिल गए, ई मिल गए, मिल गए कि नहीं, और यहां पर क्या मिले, अ मिल गए, ये दोनों मिले। अब ये दोनों किस नियम का फॉलो कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ई या ई के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, तो ई ई तो आया नहीं, अन्य स्वर आ गया, तो अन्य स्वर कोई भी आ सकता है, अ आ सकता है, आ सकता है, वो आ सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है
ई के बाद या बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर आ जाएगा, ऊ के बाद या बड़ा ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाएगा, री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाएगा, तो ऐसी संधि को हम पुनः क्या कहेंगे, यण स्वर संधि कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ये क्या हो गया, यण स्वर संधि हो जाता है। चलिए इस संधि के अगले पड़ाव पर चलते हैं। और अगली जो संधि होती है स्वर की, वह यानी पांचवी होती है, अयादि स्वर संधि होती है। क्या होती है? अयादि स्वर संधि होती है। अब अयादि स्वर संधि में क्या है, अयादि स्वर संधि में यह होता है कि ऐसा कहते हैं कि अगर यहां पर ए आ जाते हैं या ए आ जाते हैं, ओ आ जाते हैं या औ आ जाते हैं, अगर ऐसा है, ऐसा है, तो अब क्या होगा, इधर कोई भी स्वर आवे, इनसे मतलब नहीं है, भिन्न स्वर या अन्य स्वर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो लिखा गया है इसके सामने ये नहीं होना चाहिए, बाकी कोई अगर स्वर आता है तो यह क्या हो जाएगा, अयादि स्वर संधि हो जाएगा। यानी कि अगर हम मान लीजिए हम लिखते हैं चे लिखते हैं और धन क्या लिखते हैं, अन्य लिखते हैं, ठीक है, अब यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, यहां पर क्या मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा। अब ये देखिए ए के बाद कहां पर अगर कोई भिन्न स्वर आ रहा है, कोई अन्य स्वर आ रहा है, तो अब वहां पर ये जो नियम फॉलो कर रहा है, यह नियम, ये ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जा रहा है तो अब ये क्या कहेगा कि मैं कौन सी संधि हूंगा, तो बताएगा हम अयादि स्वर संधि हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यानी ये क्या हुआ, अयादि स्वर संधि हो गया। अब यहां पर आपको जो समझने वाली बात है, अभी तक जो मैंने बताया वह बताया आपको स्वर संधि, लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि दोनों तरफ, एक तरफ नहीं दोनों तरफ, आप देखिए कि जो पहला पद आ रहा है, यहां पर भी देखिए कि पहला पद भी क्या है, स्वर है, दूसरा पद भी क्या है, स्वर है, यानी दोनों तरफ स्वर ही आने चाहिए। अगर दोनों तरफ स्वर होते हैं तभी वह स्वर संधि होगा, अन्यथा स्वर संधि नहीं होगा। तो दोनों तरफ स्वर होने पर कौन सी संधि हो जाती है, स्वर संधि हो जाती है। और इन्हीं स्वर संधि को हम पांच भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हुए, हमारे स्वर संधि हो गए। अब चलिए थोड़ा सा और देख लिया जाए, नहीं तो आप कहेंगे कि व्यंजन और विसर्ग छोड़ दिए। तो व्यंजन, अब दूसरे प्रकार की संधि में आप देखिए कि व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन संधि में क्या होता है, तो व्यंजन शब्द में जो पहला पद होगा, यानी जो धन के इधर होगा, ठीक, वह धन के जो इधर होगा वह क्या होगा, व्यंजन ही होगा। धन के इधर क्या होगा, व्यंजन होगा। जैसे मान लीजिए अच आपने लिखा, अच। दूसरा जो हो सकता है, इधर व्यंजन होगा, इधर क्या हो सकता है, स्वर भी हो सकता है अथवा व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है अथवा व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन इधर ये मस्ट है कि यह व्यंजन ही होगा, उसमें स्वर नहीं रहेगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब यहां पर मान लीजिए ये अच लिखा है, अगर हम जो है यह अंत लिख देते हैं क्या बनेगा, हटाइए मैं बताऊंगा, लेकिन ये तो क्लियर हो गया, व्यंजन के बाद अगर स्वर आ गया तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए हमने लिखा वाक लिखा और धन यहां पर ईस लिख दिया, अब यहां पर देखिए मैंने कहा कि या तो व्यंजन के बाद स्वर आवे
या तो व्यंजन के बाद व्यंजन आवे तो भी वह व्यंजन संधि ही होगा, यानी व्यंजन के बाद स्वर आ गया तभी भी व्यंजन संधि। अच्छा नहीं, ये थोड़ा सा ये इसको हम हटा देते हैं और यहां पर थोड़ा सा मैं व्यंजन का उदाहरण ले लेता हूं। अगर मान लीजिए यहां पर मैंने उत लिखा और धन यहां पर मैंने गम लिख दिया, ठीक है, अब क्या हो गया, व्यंजन के बाद क्या आ गया, व्यंजन ही आ गया। मैंने बताया व्यंजन के बाद या तो स्वर आवे, व्यंजन के बाद या तो व्यंजन आवे, तो तब भी यह कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि ही होगी। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, यहां पर व्यंजन संधि ही होगी। बात समझ में आ रही है, हम इसको जब विस्तृत व्याख्यायित करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे, एक एक करके हम लोग व्याख्या करते हुए चलेंगे। तीसरा जो संधि है उसे हम विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। कौन सी संधि, विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। और विसर्ग संधि में क्या है, विसर्ग संधि, तीसरी जो संधि हमारी होती है विसर्ग संधि होती है। और विसर्ग संधि में क्या होती है, विसर्ग संधि के बाद भी अगर स्वर आते हैं या इसमें भी अगर स्वर आए या व्यंजन आए तो ही, व्यंजन आए तो ही वह विसर्ग संधि होगा, अन्यथा नहीं होगा। यानी इधर भी विसर्ग का मतलब जो है यह दो गोला लगा रह जाए, जैसे अतः लिखते हैं, पुनः लिखते हैं, मनः लिखते हैं, यशः लिखते हैं, तो या तो विसर्ग के बाद स्वर आ जाता है, ठीक है, या तो विसर्ग के बाद व्यंजन आ जाता है। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर विसर्ग संधि हो जाएगी। तो आप जो है, मैंने ये सिर्फ आज बताने का प्रयास किया कि ये होता क्या है, पहली चीज तो ये जाना जाए। दूसरी चीज इसका जो है एक एक करके हम लोग उठा करके और विस्तृत तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक है। यानी ये जो है, चूंकि इधर विसर्ग है इसलिए विसर्ग संधि, इधर व्यंजन था इसलिए व्यंजन संधि, इधर पहला पद जो है यानी स्वर था इसलिए स्वर संधि हो गया। तो यहां पर ये तीन प्रकार की संधियां होती हैं जिसको आपको पढ़ना होता है, आपको जानना होता है, आपको ढूंढना होता है, आपको गुनना होता है। तो एक एक संधि को लेकर के हम चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारे जो संस्थान है, मैंने आपसे एक बार पुनः बता दूं कि जो हमारा संस्थान है वह संस्थान टेट का जो बैच है वह बहुत ही बेहतरीन बैच लाने जा रहा है और इसमें आपकी सफलता सुनिश्चित होगी, ऐसी ये वादा हम लोगों का विगत जो है बैचेज से है कि, और उस बैचेज में जो पुराने बैचेज हैं उसमें हम लोग कर दिखाए हैं, उसमें हम लोग आपके रिव्यू बताते हैं कि जो हम लोगों का बैच चलता है और उसमें हम लोगों की क्या भूमिका है, एक महती भूमिका है, एक उत्कृष्ट भूमिका है। तो संस्था द्वारा एक नंबर प्रोवाइड किया गया है जिससे आप उस पर अपनी समस्या या अपनी बात को रख सकें और उस पर आप मैसेज कर सकें, उस पर आप, तो आपको यह संस्थान द्वारा संपर्क किया जाएगा। वो नंबर आपके पास होना चाहिए, यानी 9, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं तो आपको आसानी होगी समझने में। संस्था क्या है, संस्था का नंबर है 900। इसको 9 को हम थोड़ा सा यूं ही ऐसे कर देते हैं, 9005 8 4 9 8 4 9। ये हमारे संस्था का नंबर है, 10 हो जाने चाहिए, ये 3 3 6 6 3 9 1 10, ठीक है, 10 डिजिट का रहता है ये आपका मोबाइल नंबर जो है। तो 900 5 8 1 5 8 4 9 आपके यह नंबर हैं।
और इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा। अभी हम लोगों का जो बैच है यानी जो आपका एडमिशन है वो ओपन है और 9 फरवरी से आपका ये बैच कंटिन्यू यानी 9 फरवरी से आपकी सभी कक्षाएं अपने एक रिदम से एक क्रम से आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारा प्यार है। अपने यूं ही हम लोगों के प्रति अपने प्यार को बनाए रखिए और यूं ही मस्त रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।